नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे हैमर की ये स्मार्ट वॉच। तो दोस्तों ये हैमर की पल्स एस प्रो स्मार्ट वॉच, और दोस्तों इस वॉच में आपको 1.8 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाती है, एंड इसमें देखिए कुछ ऐसा एप्पल वॉच जैसा डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों ये वॉच आपको मिल जाएगी 1800 के आसपास। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं इस वॉच की अनबॉक्सिंग, चेक करते हैं इस वॉच को, देखते हैं कैसी ये वॉच है, क्या इसमें खास है, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी और कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, एंड देखिए ऐसा कुछ डिज़ाइन है इस वॉच का। एंड यहाँ पे बॉक्स में देखोगे तो देखिए काफ़ी सारे जो फीचर है जो इस वॉच में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे मेंशन करे गए हैं। एंड बैक साइड अगर हम देखें तो देखिए 1.8 इंचेस के आपको डिस्प्ले मिल जाती है इस वॉच में, 240x280 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिल जाता है डिस्प्ले में। एंड यहाँ पे आपको मेटालिक फ्रेम मिल जाता है इस वॉच में, एंड 200mAh की बैटरी मिल जाती है। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप बॉक्स में प्राइसिंग देखोगे तो देखिए यहाँ पे 5000 के आसपास प्राइसिंग दे रखी है, बट दोस्तों आपको 2000 के आसपास मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मैंने दे दिया। तो चलिए दोस्तों बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसे कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये हमारी वॉच, इसको रखते हैं थोड़ा साइड में। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको इस वॉच में एक वायरलेस चार्जर मिल जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको ये स्ट्रैप मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है, ये इंग्लिश में है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों वॉच से रैपर हटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ आपको इस वॉच का डायल देखने को मिल जाता है। एंड फर्स्ट इंप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दे रखी है, एकदम प्रीमियम लेवल की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे दे रखी है। तो चलिए इसमें स्ट्रैप लगा लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ आपको स्ट्रैप देखने को मिल जाता है इस वॉच में, एंड स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दे रखी है, सिलिकॉन सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ स्ट्रैप है। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप फ्रेम देखोगे तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ आपको मेटालिक फ्रेम देखने को मिल जाता है, एंड फ्रेम की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दे रखी है। एंड यहाँ पे आपको देखिए ग्लॉसी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम लुक दे रही है इस वॉच को। एंड यहाँ पे देखिए आपको क्राउन बटन मिल जाता है, यहाँ पे एक माइक दे रखा है, एंड यहाँ पे नीचे भी एक बटन मिल जाता है आपको। एंड यहाँ पे आपको 1.8 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको 2.5D कर्व ग्लास देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको देखिए एक स्पीकर मिल जाता है, ब्लूटूथ कॉलिंग आपको इस वॉच में देखने को मिल जाती है। एंड बैक साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सेंसर मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है इस वॉच में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वॉच में डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों वॉच को अभी हम ऑन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों वॉच अभी हमारी ऑन हो चुकी है, तो चलिए इसे फ़ोन से पेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों फ़ोन से पेयर करने के लिए ये ऐप आपने अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेनी है, एम टू वेयर ऐप है ये, दोस्तों आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। एंड यहाँ पे दोस्तों आपने ऐप को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए ऑप्शन मिल जाता है ऐड डिवाइस वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे आपने इस ऑप्शन में जाना है। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप सर्च करोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी वॉच शो कर रही है पल्स एस, तो यहाँ पे दोस्तों आपने वॉच को सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों वॉच अभी हमारी स्मार्टफोन से पेयर हो चुकी है। एंड दोस्तों जैसे ही आप अपनी वॉच को स्मार्टफोन से पेयर कर लोगे, जो वॉच में डे डेट टाइम है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले आपको वॉच के सारे फीचर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस साइड अगर आप स्लाइड करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिल जाती है। एंड अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको चार गेम्स मिल जाती है इस वॉच में। तो एक ही वॉच में आपको 4 गेम्स दे रखी है, जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक ही वॉच में चार गेम्स हैं। तो पहली गेम अगर देखें तो देखिए ये वाली गेम आपको मिल जाती है। एंड सेकेंड गेम अगर हम देखें तो ये वाली आपको कार वाली गेम मिल जाती है। एंड थर्ड गेम अगर हम देखें तो देखिए ये वाली गेम आपको मिल जाती है, बर्ड वाली गेम है ये, देखिए इसे भी आप खेल सकते हो। एंड इसके बाद देखें तो देखिए ये फोर्थ गेम आपको मिल जाती है, तो आप चाहो तो ये वाली गेम भी खेल सकते हो। तो इसमें आपको 4 गेम्स मिल जाती है। एंड दोस्तों अगर आप इस साइड स्लाइड करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस वॉच का मेन मेन्यू देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखिए आपको सबसे ऊपर ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फीचर मिल जाता है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो इस वॉच में, यहाँ पे आपको कॉल लॉग्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको सारे मैसेज मिल जाएंगे, नोटिफिकेशंस वगैरह। एंड यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको देखिए पेडोमीटर मिल जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको स्लीप मॉनिटरिंग का डाटा मिल जाता है, सेडेंटरी अलार्म मिल जाता है, हार्ट रेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ब्लड प्रेशर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ब्लड ऑक्सीजन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ब्लूटूथ कैमरा इस वॉच में आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको देखिए म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, फाइन फोन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, एंड वेदर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको देखिए ड्रिंकिंग रिमाइंडर मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच भी मिल जाती है, कैलकुलेटर आपको इस वॉच में देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको कैलेंडर भी मिल जाता है इस वॉच में। एंड यहाँ पे आपको देखिए अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है, अलार्म आप सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है,
तो सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको टाइम सेटिंग मिल जाती है। तो सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो देखिए आप वॉच में डायरेक्टली डेट सेट कर सकते हो, टाइम सेट कर सकते हो, एंड यहाँ से दोस्तों आप टाइम फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ से दोस्तों आप अपनी जो वॉच की प्रोफाइल है उसे सेट कर सकते हो, जैसे वाइब्रेशन होनी चाहिए वॉच में या रिंग होनी चाहिए, या रिंग एंड वाइब्रेशन दोनों होनी चाहिए, तो वो आप प्रोफाइल में सेटिंग कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, एंड यहाँ से आप देखिए स्क्रीन ऑन टाइम भी चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो वॉच में आप पासवर्ड भी लगा सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको साइड बार वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से देखिए आप साइड बार को ऑफ या ऑन भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला मोड मिल जाता है, दोस्तों यहाँ से आप देखिए इस वॉच में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी यूज़ कर सकते हो, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर भी आपको इस वॉच में देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखिए आप बैड साइड लैंप वाला जो मोड है उसे भी अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। एंड यहाँ से आप वॉच को देखिए फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको देखिए सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये सारे ऑप्शन आपको देखिए दोस्तों सेटिंग वाले ऑप्शन में मिल जाते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन दे रखा है, तो दोस्तों इस वॉच में आपको 4 टाइप के डिफरेंट मेन्यू स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा से मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको QR कोड मिल जाता है ऐप इंस्टॉल करने के लिए। एंड यहाँ से देखिए आप वॉच को रीसेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको इस वॉच में वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर मिल जाता है, एंड ब्रीदिंग की एक्सरसाइज आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेम्परेचर वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप टॉर्च यूज़ कर सकते हो। एंड देखिए स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे देखिए चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको 4 गेम्स मिल जाती हैं, तो दोस्तों इस वॉच में आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं UI की बात करूँ तो यहाँ पे UI देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ UI आपको इस वॉच में देखने को मिल जाता है, बिल्कुल भी ये लैग नहीं कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ UI आपको इस वॉच में देखने को मिल जाता है। ये देखिए ये क्राउन से भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप स्लाइड करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको ये सारे सेटिंग वाले ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप ब्लूटूथ कॉलिंग को अनेबल या डिसेबल कर सकते हो, यहाँ से आप टॉर्च यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे स्क्रीन में जो ब्राइटनेस है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, तो देखिए फुल ब्राइटनेस करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जैसे अभी हम बिल्कुल कम कर देते हैं। एंड यहाँ से देखिए आप प्रोफाइल की सेटिंग कर सकते हो, एंड यहाँ से देखिए आप मेन्यू स्टाइल को चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको म्यूज़िक कंट्रोल वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो दोस्तों ऐसे कुछ आपको इस वॉच में UI देखने को मिल जाता है। एंड UI काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है इस वॉच का, एंड काफ़ी सारे फीचर आपको इस वॉच में देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों अगर आप ये वाला बटन प्रेस करते हो तो यहाँ से देखिए आप स्क्रीन को लॉक या अनलॉक कर सकते हो, ये देखिए। एंड अगर आप इस क्राउन बटन को प्रेस करते हो तो भी देखिए आप यहाँ पे मेन्यू में जा सकते हो, तो मेन मेन्यू को आप ओपन करने के लिए इस बटन को भी प्रेस कर सकते हो, क्राउन बटन को। या फिर दोस्तों अगर आप इस साइड स्लाइड करते हो तो भी आप मेन मेन्यू में जा सकते हो। एंड दोस्तों अगर आप क्राउन बटन को डबल प्रेस करते हो तो देखिए आप यहाँ पे मेन्यू स्टाइल को चेंज कर सकते हो, तो देखिए ऐसा कुछ आपको सेकंड मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाता है। एंड देखिए ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर हम थर्ड मेन्यू स्टाइल देखें तो देखिए ऐसा कुछ आपको थर्ड मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाता है, एंड देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, इसे आप देखिए क्राउन से भी यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट मेन्यू स्टाइल अगर हम देखें तो देखिए ऐसा कुछ आपको इस वॉच में फोर्थ मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाता है, एप्पल वॉच जैसा UI है। एंड ये भी देखिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको लैग नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप मोबाइल ऐप को देखो तो देखिए ऐसा कुछ आपको मोबाइल ऐप देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे देखिए आपने कितने स्टेप्स चले हैं वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कितनी कैलोरीज आपने बर्न करी है, कितना डिस्टेंस आप चले हो, कैसा आपका हार्ट रेट था, स्लीप मॉनिटरिंग का डाटा, कितना आपने वर्कआउट किया है, ब्लड प्रेशर आपका कैसा था, ब्लड ऑक्सीजन लेवल क्या है, वो सब आपको यहाँ पे ऐप में मिल जाएगा। एंड इसके बाद देखें तो यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, तो यहाँ से दोस्तों आप जो अपने ट्रेनिंग है स्पोर्ट्स मोड वगैरह की यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वॉच फेसेस मिल जाते हैं जिन्हें आप अपडेट कर सकते हो अपने स्मार्ट वॉच में, तो यहाँ पे काफ़ी सारे वॉच फेसेस दे रखे हैं। एंड दोस्तों इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए हमारी वॉच फ़ोन से कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे देखिए 100% हमारी वॉच चार्ज है। एंड यहाँ से आप वॉच को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। एंड यहाँ से देखिए दोस्तों आप टाइम फॉर्मेट की सेटिंग चेंज कर सकते हो, 12 आवर्स या 24 आवर्स में टाइम सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये 12 आवर्स है, तो देखिए 24 आवर्स हो गया। एंड यहाँ से दोस्तों आप जो रिस्ट है अपने वॉच के साथ में पहनने लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। एंड यहाँ से आपको फाइंड डिवाइस वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आपकी वॉच नहीं मिल रही है तो आप वॉच को फाइंड कर सकते हो। एंड यहाँ से आप टाइम को सिंक कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो वेकअप स्क्रीन वाला फीचर है उसे आप देखिए यहाँ से अनेबल या डिसेबल कर सकते हो ऐप के थ्रू। एंड यहाँ पे आपको रिमोट कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको फोन बुक मिल जाती है, तो यहाँ से आप देखिए कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो अपने स्मार्ट वॉच में। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हो ऐप के थ्रू। एंड यहाँ पे आपको देखिए वेदर की इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ से आप वॉच को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको देखिए पावर सेविंग मोड मिल जाता है,
तो ऐप के थ्रू आप देखिए पावर सेविंग मोड को भी यूज़ कर सकते हो, अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखिए नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन मिल जाता है, जैसे टेक्स्ट मैसेज हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो उनके नोटिफिकेशन आप दोस्तों यहाँ से अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए हेल्थ सेटिंग्स का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ से देखिए आप ऑटोमेटिक हार्ट रेट को अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। एंड यहाँ से सेडेंटरी अलार्म को आप देखिए अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए स्लीप मॉनिटरिंग वाला जो ऑप्शन है उसे भी आप देखिए अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। एंड यहाँ से दोस्तों आप अपने जो प्रोफाइल है उसकी सेटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे कुछ मोबाइल ऐप आपको देखने को मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ लोग आपको देखने को मिल जाता है जब आप वेयर करते हो इस वॉच को। और देखिए दोस्तों देखने में वॉच काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम लुक दे रही है, एंड हाथों में इसकी जो फिटिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए दोस्तों जो रिस्ट टू राइज वाला जो फीचर है, जो वेकअप स्क्रीन वाला फीचर है, देखिए काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, ये देखिए एक बार भी मिस नहीं हो रहा। तो चलिए दोस्तों इस वॉच में अभी हम हार्ट रेट चेक करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इस वॉच में मेरा जो हार्ट रेट आया देखिए 70 BPM के आसपास आया, जो कि मुझे बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं लग रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी SpO2 लेवल भी चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये वॉच मेरा जो SpO2 लेवल है देखिए 97, 98, 96% के आसपास दिखा रही है, जो कि मुझे बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस वॉच में जो सेंसर मिलते हैं वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। तो दोस्तों इस वॉच में जो आपको हेल्थ रेटिंग्स मिल जाती है वो बिल्कुल भी आपको एक्यूरेट नहीं मिलती है, उन पे आप दोस्तों बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी इस वॉच में हम सरफेस का हार्ट रेट रीड करके देखते हैं कि वो सरफेस की रीडिंग दिखाती है कि नहीं दिखाती है। तो यहाँ पर अगर हम हार्ट रेट चेक करें सरफेस का तो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये वॉच देखिए सरफेस का भी हार्ट रेट दिखा रही है। तो चलिए अभी SpO2 लेवल भी चेक करके देख लेते हैं, देखते हैं कि सरफेस का SpO2 लेवल आता है या नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों ये वॉच सरफेस का भी SpO2 लेवल दिखा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस वॉच में जो सेंसर मिलते हैं एंड जो भी आपको हेल्थ रीडिंग्स मिल जाती है इस वॉच में वो बिल्कुल फेक है। तो यहाँ पे आपको हेल्थ रीडिंग्स बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं मिलती है इस वॉच में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखिए इस क्राउन बटन को रोटेट करते हो तो यहाँ पे देखिए आप वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हो। बट दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्क्रीन को लॉक अनलॉक करोगे दोबारा से तो देखिए वॉच फेस चेंज नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्क्रीन को होल्ड करके रखना है। एंड दोस्तों जो भी आपने वॉच फेसेस चेंज करना है वो यहाँ पे आप देखिए ऐसे चेंज कर सकते हो। एंड जो भी आपको ठीक लगे वॉच फेस तो वहाँ पे आपने दोस्तों आके ओके करना है। एंड देखिए उसके बाद वॉच फेस जो है वो सेव हो जाएगा आपके स्मार्ट वॉच में। और उसके बाद दोस्तों अगर आप इसे लॉक या अनलॉक करते हो तो देखिए वॉच फेस सेट हो जाएगा और वो देखिए चेंज नहीं होगा दोबारा से। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऐप में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप अपडेट कर सकते हो अपने स्मार्ट वॉच में। तो चलिए दोस्तों एक वॉच फेस अपडेट करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वाला वॉच फेस अभी हम अपडेट कर देते हैं अपने स्मार्ट वॉच में। तो देखिए दोस्तों ये वॉच फेस अभी हमने अपडेट किया था अपने स्मार्ट वॉच में और देखिए अपडेट हो चुका है और देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस वॉच के डिस्प्ले में कलर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिच कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे कलर वाइब्रेंसी भी काफ़ी अच्छी देखने को आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पे डिस्प्ले में आपको कलर कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे अगर मैं दोस्तों क्लैरिटी की बात करूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले में आपको क्लैरिटी एंड शार्पनेस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे अगर आप साइड बेजल देखोगे तो साइडों में जो बेजल दे रखे हैं दोस्तों डिस्प्ले में वो भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों इस वॉच में डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कस्टमाइज वॉच फेस भी सेट कर सकते हो इस वॉच में। तो अगर आपने खुद की फ़ोटो लगानी है एज अ वॉच फेस तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो दोस्तों इस वॉच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फीचर मिल जाता है। तो चलिए एक नंबर डायल करके देखते हैं कि स्पीकर की क्वालिटी आपको कैसी मिलती है इस वॉच में। तो चलिए एक नंबर डायल करके देख लेते हैं। दोस्तों ऐसे आपको इस वॉच में जो स्पीकर मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड एंड क्लियर मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आप ब्लूटूथ कॉलिंग भी कर सकते हो इस वॉच में। एंड दोस्तों इस वॉच में देखिए आपको वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर मिल जाता है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसे भी ट्राई करके देख लेते हैं। व्हाट्स द वेदर आउटसाइड? तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ कॉल नोटिफिकेशन आपको इस वॉच में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप कॉल को रिसीव भी कर सकते हो एंड डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। एंड अगर मैं कॉल को रिसीव करता हूँ तो देखिए दोस्तों ऐसे आप इस वॉच के थ्रू डायरेक्टली कॉल में बात कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है इस वॉच के साथ में। ये मैग्नेटिक है दोस्तों, तो अगर आप इसे वॉच के बैक साइड ऐसे लगाओगे
तो देखिए चिपक जाता है ये देखिए। तो दोस्तों इस वायरलेस चार्जर को यूज़ करके आप अपनी वॉच को चार्ज कर सकते हो। एंड दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो अपने मोबाइल का चार्जर या फिर एक पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हो अपनी वॉच को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही दोस्तों आप कनेक्ट करोगे तो देखिए दोस्तों ऐसे आपकी वॉच जो है चार्ज होने लग जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस वॉच में बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये वॉच आप डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी वॉच लगी मुझे ये दोस्तों। यहाँ पे डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको इस वॉच में वायरलेस चार्जिंग वाला फीचर भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे डिस्प्ले भी आपको इस वॉच में काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड काफ़ी सारे फीचर आपको दोस्तों इस वॉच में देखने को मिल जाते हैं। एंड यूआई भी दोस्तों आपको इस वॉच में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल जाता है, देखिए बिल्कुल भी लैग नहीं है। तो दोस्तों डेफिनेटली आप इस वॉच को परचेज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मैंने दे दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।